चलो क्वेश्चन में ध्यान देना है सभी ने। प्रॉब्लम नंबर 9 करने वाले आज हम, पेज नंबर 149, इलस्ट्रेशन। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म त्रिवेणी ट्रेडर्स एज ऑन 31st March 2019। नर्मदा एंड गोदावरी आर पार्टनर्स of the firm who shares profits and losses in the ratio of 3:2 respectively। हाँ, नर्मदा और गोदावरी दो पार्टनर्स है, इनका रेशियो दे रखा है ओल्ड रेशियो। हाँ, नर्मदा एंड गोदावरी रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो इज 3:2। अभी बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 देखना है कौन से आइटम्स कहाँ जा रहे हैं। लेट्स कम टू लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीला जाणार, ओके। कैपिटल्स कहाँ लिखोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैपिटल्स हम लोग लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। अभी एसेट्स की ओर आ जाओ। एसेट्स में कैश एट बैंक, इसके लिए क्या करोगे आप? सेपरेट बैंक अकाउंट प्रिपेयर करोगे, सेपरेटली बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, वहां जाकर उसके डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी बिल्डिंग क्या है? एसेट, मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, स्टॉक एसेट और डेटर्स एसेट, सब एसेट में ही लिखना है। एडजस्टमेंट में क्या दिया? देखो, दे टेक कावेरी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2019। न्यू पार्टनर ऐड हुआ इनके बीच में, कावेरी, ओके। और कावेरी का जो शेयर है, अभी कावेरी अपने साथ क्या लेकर आएगी? कैपिटल, गुडविल और उसका जो शेयर है वो, ठीक है। देखो, कावेरी शाल पे 4000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। तो कावेरी अपने साथ कितना गुडविल लेकर आई है? 4000। हाँ, तो पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स गुडविल इन कैश एंड इट रिटेन्स इन द बिजनेस, कि जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है और वो बिजनेस में रहेगा, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? एन अमाउंट गुडविल रिटेन इन द बिजनेस कहा है ना, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इसकी ट्रीटमेंट होगी, पहला तो गुडविल आया, गुडविल आया, एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल आया, है ना, टू गुडविल अकाउंट, कि 4000 का गुडविल आया, ओके। कैश या फिर बैंक बोलो, अभी यहां पर जैसे कि बैंक अकाउंट बना रहे। दूसरा, ये जो गुडविल कावेरी लेकर आई है, इसे क्या करेंगे हम लोग? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कैसे? सैक्रिफाइस रेशियो से। अभी गुडविल पार्टनर्स को देना है, तो क्या एंट्री होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अभी यहाँ ओल्ड पार्टनर कौन है? नर्मदाज कैपिटल अकाउंट टू गोदावरीज कैपिटल अकाउंट, और इनको ये जा रहा है कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया। इट्स रिटेन इन द बिजनेस। विड्रॉ वगैरह किया है क्या? नहीं। ये हो गई इसकी ट्रीटमेंट, ओके। एक इफेक्ट हम लोगों को बैंक अकाउंट में दिखाना है, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइस रेशियो से। ये हो गई गुडविल की ट्रीटमेंट। क्लियर है गुडविल की ट्रीटमेंट? अभी आगे, नेक्स्ट, शी शैल ब्रिंग इन रुपीज 12,000 एज हर कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। कावेरी अपने साथ कैपिटल लेकर आई है, कितना कैपिटल लेकर आई है? 12,000। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ये कैपिटल भी हमारे पास बैंक में पैसा बढ़ गया है ना, इसकी एंट्री करोगे तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कावेरीज कैपिटल अकाउंट, की कावेरी जो है 12,000 कैपिटल लेकर आई। तो इफेक्ट आप एक बैंक अकाउंट के डेबिट में डालोगे, दूसरा इफेक्ट कावेरी के कैपिटल के क्रेडिट साइड में, कि वहां जाकर लिखोगे बाय बैंक। चलो, ये हो गया कैपिटल की ट्रीटमेंट। उसका शेयर हमें दे रखा है, कितना शेयर है कावेरी का? 1/4 इसका शेयर दे रखा है। ये शेयर हमें काम में आने वाला है कहां पर? रेशियोज निकालने के लिए, सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए, न्यू रेशियो निकालने के लिए, रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए शेयर काम में आएगा, ओके। नेक्स्ट, थर्ड एडजस्टमेंट, द फर्म्स असेट्स वर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। अभी फर्म के असेट्स जो है वो कैसे चेंज हो रहे, क्या रीवैल्यूड हो रहे? लेट्स से, फर्स्ट बिल्डिंग
24,000. अभी ध्यान देना, ऊपर बिल्डिंग कितनी दी है, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितनी दी दे रखी है, 20. अभी रीवैल्यूएशन करने के बाद बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हुई, तो बिल्डिंग अपनी असेट है, असेट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, एप्रिसिएशन हुआ, एक इफेक्ट असेट में जाकर क्या करोगे, एड. और रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्यों, बिकॉज रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, उसके डेबिट में जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सारे एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं इनकम गेन. असेट बढ़ना इनकम गेन है, दैट्स व्हाई रीवैल्यूएशन के कहा जा रहा है क्रेडिट साइड. समझ रहे हैं बात को, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी बिल्डिंग की, एक बिल्डिंग में जाकर एड एप्रिसिएशन, सेकेंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड. रिवैल्यूएशन को ही पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी आप बोल सकते हो. नेक्स्ट, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. बिल्डिंग को टिक मार्क हो जाएगी, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है. अभी मशीनरी फर्नीचर रिड्यूस्ड हुआ है 10%, असेट क्या हुई यहां पर, कम हुई है ना, डेप्रिसिएट हुई. एक डेप्रिसिएशन करोगे, असेट में से लेस करोगे, असेट कम होना रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड. दो इफेक्ट क्या, असेट में से लेस करेंगे, दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड. टिक मार्क कर लो इसको भी. देन प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर इट्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स. अभी ये आरडीडी वाली एडजस्टमेंट है. पहले आरडीडी दिया है कुछ नहीं, पहले डेटर्स पे कुछ भी आरडीडी नहीं है, अभी ये आरडीडी जनरेट हुआ, नया आरडीडी आया, राइट. तो ये एज अ लायबिलिटी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई. ऐसे ही इफेक्ट होगा ना, असेट हमारी यहाँ पर उसमें से कम होने वाली है. तो फिर एक लेस करोगे डेटर्स में से, दूसरा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड. डेटर्स में से लेस, रीवैल्यूएशन के डेबिट में जो आरडीडी आप कैलकुलेट करोगे वहां लिखनी है, टिक मार्क करना है डेटर्स के ऊपर. नेक्स्ट, स्टॉक इज टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000. स्टॉक की वैल्यू पहले 16,400 दे रखी है, अभी क्या हो गई, 20 हो गई, मतलब बढ़ गई, इंक्रीज हुआ. एक फर्स्ट इफेक्ट ऐड करोगे, इंक्रीज्ड स्टॉक में बढ़ गए, और स्टॉक असेट बढ़ना, सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. स्टॉक को टिक मार्क कर लोगे, ओके, डन. उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कहा है द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द न्यू फर्म इट्स टू बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट. अभी एक्सेस कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी, इनका जो भी एक्सेस कैपिटल बन रहा है, जो भी है, वो हमें कहाँ करना है, लोन अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए कहा है. अभी इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाली, एंड में जाकर हम लोग करेंगे कि क्या एक्सेस कैपिटल है, सरप्लस है, डेफिसिट है. वो एक्सेस कैपिटल हमें फाइंड आउट करने के लिए वर्किंग नोट करनी है. बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम, जो हम लोग पहले से सीखते आ रहे वैसे ही करना है. एंड में जाके बस हमें एक्सेस कैपिटल जो है वो निकालना है. इसके लिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला वर्किंग नोट करेंगे हम लोग, ओके. चलो कॉलम बना लो सारे, कौन से अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना लो. चलो अकाउंट्स बना लिए सबने, पोस्टिंग करते हैं. फर्स्ट हमें दे रखा है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कहाँ लिखोगे आप, चलो लिख दो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स. अमाउंट इन आउटर कॉलम, अमाउंट इज 49,600. उसके बाद कैपिटल दिया है नर्मदा और गोदावरी का, हाँ, तो कैपिटल लिखोगे कहां पर आप, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, वहां जाकर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. नर्मदा का कैपिटल है 28,000, गोदावरी का कैपिटल इज 28,000. नेक्स्ट एसेट साइड, एसेट साइड में फर्स्ट बैंक कैशर्ड बैंक, बैंक का बैलेंस दे रखा है. बैंक अकाउंट के कहां जाओगे आप, डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितनी है 1000. नेक्स्ट बिल्डिंग एसेट में लिखोगे आप, और इनके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट करनी है, तो दैट्स व्हाई अमाउंट कहां लिखनी है, इनर में. बिल्डिंग की अमाउंट है 20,000, इनर में लिखेंगे 20,000, एक लाइन छोड़ दी आपने. आफ्टर दैट मशीनरी, सेम एसेट साइड, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इनर में लिखोगे, एक लाइन छोड़नी है.
मशीनरी के अमाउंट इज 28,000, मशीनरी के बाद फर्नीचर, फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है ना, फर्नीचर अमाउंट इनर में अमाउंट इज कितना 1,200, उसके बाद स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट है 16,400, इन सभी के ऊपर एडजस्टमेंट है, दैट्स वाई सबको लाइंस छोड़ के चलना है। और उसके बाद डेटर्स, डेटर्स के ऊपर भी प्रोविजन निकालने, राइट, तो डेटर्स को भी आप इनर में लिखोगे 36,000, और इसके लिए भी एक लाइन छोड़ दी। ये हो गया सारा पोस्टिंग, डन। पोस्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, सारे पोस्टिंग कर लिए। अभी एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है आपको कि इनके बीच में कौन एंटर हुआ है, कावेरी। अभी कावेरी का जो एंटर 1 अप्रैल को आई, उसका डेट हम लोगों ने बैलेंस शीट को डाल दिया। कावेरी अपने साथ क्या लेकर आई है, कैपिटल और गुडविल। तो कावेरी का जो कैपिटल है, कैपिटल में लिखेंगे, गुडविल की ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई क्या करना है। गुडविल आया और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो, कावेरी शाल पे 4,000 शेयर ऑफ गुडविल एंड अमाउंट टू बी रिटेन इन द बिजनेस। कावेरी क्या लेकर आई, गुडविल लेकर आई, बैंक में आया गुडविल, ओके। तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट पैसे आए, कितने आए गुडविल के 4,000। ये जो गुडविल आया, इस गुडविल को क्या करना है, पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देना है। अभी सेक्रीफाइस रेशियो है नहीं, तो ओल्ड रेशियो ही अपना यहाँ क्या है, क्योंकि कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है रेशियो की, तो सेक्रीफाइस में बांट दो बाय गुडविल अकाउंट। अभी ओल्ड रेशियो क्या था रे, सेक्रीफाइस रेशियो क्या है बेसिकली 3:2, तो 4,000 को आप 3:2 में बांटोगे, कितना आ रहा है 2,400 और 1,600 गुडविल को बांट दिया, एंड इट्स रिटेन्ड इन द बिजनेस। देखो, रिटेन्ड इन द बिजनेस, गुडविल आया, बिजनेस में रखा है, उनको दे दिया उनका सेक्रीफाइस रेशियो से। ये हो गई गुडविल की ट्रीटमेंट। कावेरी अपने साथ और क्या लेकर आई है, कैपिटल, कितना 12,000। कावेरी का कैपिटल भी बैंक में आया, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कावेरी का, यहां लिखोगे टू, क्या आया, कावेरीज कैपिटल अकाउंट, कितना कैपिटल लेकर आई है वो 12,000। बैंक के डेबिट में कावेरी कैपिटल लिखा है, कावेरी के कैपिटल के क्रेडिट में जाओगे, वहां जाकर लिखोगे बाय बैंक अकाउंट के कावेरी का कैपिटल, कितना 12,000 कावेरी कैपिटल लेकर आई बैंक में। चलो, ये हो गया कावेरी के कैपिटल की ट्रीटमेंट, गुडविल हो गया, कैपिटल हो गया। आगे रीवैल्यूएशन कहा है कि कौन से असेट्स लायबिलिटीज जो है वो कम ज्यादा क्या हो रहा है। द फर्म्स असेट्स वर रीवैल्यूड एज अंडर, बिल्डिंग हो गई है 24,000। देखो, बिल्डिंग पहले कितनी थी 20,000, अभी वो कितनी हो गई 24,000। आउटर में आप लिखोगे 24,000 बढ़ रही है, क्या करना है, एड एप्रिसिएशन, एड एप्रिसिएशन, कितने से बढ़ रही है 4,000। सेकेंड इफेक्ट रिवैल्युएशन के क्रेडिट में, क्योंकि रिवैल्युएशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, इसके डेबिट में एक्सपेंस लॉसेस लिखेंगे, क्रेडिट में इनकम गेन, असेट बढ़ना, इनकम गेन, क्रेडिट में लिखोगे आप बाय बिल्डिंग, कितने से इंक्रीज हुई, डिफरेंस लिखना है, कितने से इंक्रीज हुई 4,000 से इंक्रीज हुई बिल्डिंग के बाद। नेक्स्ट हमें दे रखा है मशीनरी एंड फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 10%, रिड्यूस करना है, डिप्रिसिएट हो रहा है, लिखो मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन 10%, फर्नीचर भी ना, लेस डेप्रिसिएशन 10%। हाँ, मशीनरी कितना 2,800 कम हुआ, आउटर में 25,200, फर्नीचर 120 से कम हुआ, आउटर में 1,080 आ गया। इसका सेकेंड इफेक्ट, असेट कम होना रिवैल्युएशन के डेबिट में, वहां लिखोगे टू, मशीनरी अकाउंट कितने से कम हुई 2,000, टू फर्नीचर अकाउंट 120, ओके, ये हो गया इसका एडजस्टमेंट। आगे कहा है आपको प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, आरडीडी निकालना है इसके ऊपर 5%,
लेस आरडीडी 5%। इसके ऊपर 5% आपने कैलकुलेट किया 1800, आउटर में आ गए 34200। असेट यहाँ पर लाइबिलिटी, आरडीडी एक तरह से लाइबिलिटी की तरह ट्रेड करेंगे। प्रोविजंस क्या हो रहे हैं, पहले नहीं थे अभी आ गए, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लॉसेस हो रहे हैं, एक्सपेंस लॉसेस टू आरडीडी कितना 1800। ये हो गई आरडीडी की ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000। स्टॉक की वैल्यू पहले इतनी थी, अभी कितनी हो गई 20,000। क्या हो रही है, बढ़ रही है, हाँ एप्रिसिएशन है, इंक्रीज लिखेंगे, ये फिक्स्ड असेट नहीं है। एड इंक्रीज्ड, कितने से बढ़ी 3,600। हाँ, सेकेंड इफेक्ट, असेट बढ़ना रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बाय स्टॉक कितने से बढ़ा 3,600। चलो यहाँ तक सारी ट्रीटमेंट हो गई अपनी, ओके, सारे पोस्टिंग वगैरह आपने कर लिए। इसके बाद हमें एक लास्ट वाला एडजस्टमेंट दे रखा है, उसमें कहा है कि वर्किंग नोट करना है कि द एक्सेस ऑफ नर्मदा और गोदावरी का जो एक्सेस कैपिटल है वो एडजस्ट करना है। कैसे कैसे करना है एडजस्ट, ड्यू टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। अभी इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस हम लोग ने किए ना, एक्सेस कैपिटल सरप्लस डेफिसिट जो भी था एडजस्ट किया था कैश अकाउंट से, किया था ना। अभी ये वाला कैपिटल एडजस्ट करना है कैसे, लोन अकाउंट से एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है, लोन अकाउंट। तो हमें इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला वर्किंग नोट, ओके। यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला नोट करेंगे, वर्किंग नोट कर लेंगे पहले। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज अभी मेंशन किया है क्या, ओल्ड न्यू किसका बेस लेकर चलना है, लेकिन हमें ये बताया कि नर्मदा और गोदावरी का कैपिटल जो है वो एक्सेस कैपिटल निकालो, तो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एज अ क्या करेंगे, बेस मानकर चलेंगे, ओके। लेट्स डू द वर्किंग नोट। सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद हमें वर्किंग नोट करनी है प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाली, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्लोज करना है, कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड, ओके। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट ज्यादा, दोनों तरफ लिख दी, उसमें से डेबिट माइनस किया, देन आपको यहां से क्या मिला, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ओके। और ये कैपिट जो भी प्रॉफिट मिला ओल्ड पार्टनर्स को, उनको ओल्ड रेशियो में हम लोग ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जा रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, वहां जाकर क्या लिखोगे आप, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखोगे क्या, प्रॉफिट कितना है 1728, और दूसरे का मिला 1152। हाँ, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपने कर दिया ट्रांसफर। अभी इसके बाद हमें करनी है प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करना है, ओके, वो कर लेते हैं। यहाँ पर ना न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस लेकर चलना है, ओल्ड का नहीं। हम लोग ने अभी तक क्या किया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद उसका प्रॉफिट ट्रांसफर किया। अभी आपको जो लास्ट वाली एडजस्टमेंट दे रखी है, द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द न्यू फॉर्म इज टू बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। अभी एक्सेस कैपिटल फाइंड आउट करना है किसका, नर्मदा का और गोदावरी का। तो ये जो एक्सेस कैपिटल हम लोग फाइंड आउट करेंगे टेकिंग एज अ प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल कर, वर्किंग नोट करके प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाले। यहाँ पर न्यू पार्टनर का कैपिटल एज अ बेस मानकर चलना है, क्योंकि हमें जो एक्सेस कैपिटल है वो किसका निकालना है, नर्मदा और गोदावरी का एक्सेस कैपिटल जो भी बन रहा है, ड्यू प्रोपोर्शन जो भी बन रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे आप, इनका फाइंड आउट करना है कैपिटल, तो हम लोग क्या करेंगे, कावेरी का न्यू पार्टनर का कैपिटल एज अ बेस मानकर चलेंगे, ओके। तो वर्किंग नोट करनी है आपको, वर्किंग नोट लिखेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस, ओल्ड नहीं न्यू, क्यों, बिकॉज हमें
गोदावरी और नर्मदा का यहाँ पर कैपिटल निकालना है, उनका एक्सेस ड्यू प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहा है। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल एज अ बेस मानकर चलेंगे। न्यू पार्टनर कौन? कावेरी, राइट। कावेरी का कैपिटल है अपने पास, कावेरी इज कैपिटल, कितना है कावेरी का कैपिटल? कावेरी का शेयर है अपने पास, राइट। कावेरी शेयर कितना है? कावेरी का शेयर 1/4। तो अभी क्या निकालोगे आप? टोटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल या टोटल कैपिटल, टोटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। फॉर्मूला क्या है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर, उसका शेयर। न्यू पार्टनर का कैपिटल है कावेरी का 12,000, कावेरी का शेयर 1/4, इसका उल्टा करो 4/1। आंसर क्या आया? 48, सॉरी कितना आया? 48,000, 12 × 4 = 48,000। ये आपका क्या मिला? टोटल कैपिटल। नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस कैपिटल अमंग ऑल द पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। कैसे करना है? न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो लेट्स फाइंड आउट द न्यू रेशियो फर्स्ट। न्यू रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, बैलेंस ऑफ वन पहले निकालो, 1 - शेयर ऑफ न्यू पार्टनर करो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन डालो, और फिर फाइंड आउट करोगे आप क्या? न्यू रेशियो। चलो न्यू रेशियो फाइंड आउट करो और मुझे बताओ न्यू रेशियो कितना आ रहा है। आपको वर्किंग नोट करनी है न्यू रेशियो की। न्यू रेशियो फाइंड आउट करो और बताओ कितना आ रहा है। न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करा बताओ कैसे करना है। कर लोगे ना वर्किंग नोट न्यू रेशियो वाले? फॉर्मूला क्या है न्यू रेशियो का? न्यू रेशियो इज इक्वल टू पहले निकाला बैलेंस ऑफ वन, 1 - शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, 1 - नए पार्टनर का शेयर है 1/4, आ गया आंसर 3/4। फॉर्मूला डाला न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इन टू बैलेंस ऑफ वन। अभी इसमें पहला पार्टनर कौन है? नर्मदा। नर्मदा का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5। 5 - 3 इतना किसका है? नर्मदा का। इन टू बैलेंस ऑफ वन 3/4, 3 × 3 = 9, 5 × 4 = 20। ये हो गया नर्मदा। उसके बाद गोदावरी, गोदावरी का ओल्ड रेशियो 2/5, बैलेंस ऑफ वन 3/4, कितना आया? 5/20। नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी 6/20। तो 9 और 6 गए, बचे कितने? 5 ना, 5/20 किसका हो गया? कावेरी का। सो न्यू रेशियो क्या मिल रहा है? 9 = 6 = 5। न्यू रेशियो क्या मिला? 9 = 6 = 5, यही आ रहा है ना। अभी क्या करोगे आप? इस 48,000 को 9 = 6 = 5 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कर दो। सबसे पहले किसे देंगे? नर्मदा 48,000 × 9/20, फिर उसके बाद गोदावरी, इसको जा रहा है 48,000 × 6/20, और फिर गया कावेरी 48,000 × 5/20। बताओ इनके आंसर्स, बताओ मुझे क्या आ रहा है? 21,600। गोदावरी का कितना आया चेक करो? 14,400 गोदावरी का आ रहा है, 14,004 कावेरी का। अभी ये इसमें से गया, बचा कितना? 12,000 आएगा इधर, 12,000 आ गया कावेरी का। ओके
इसके बाद की प्रोसेस क्या है? ये जो हम लोग ने प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाला, ये बैलेंस कैरिड डाउन वाला कैपिटल है। इसमें जो भी कम ज्यादा हो रहा है, अभी इन्होंने कहा है कि जो एक्सेस है उसको एडजस्ट करो, कैसे? कैश से, बैंक से नहीं। कैसे एडजस्ट करना है? लोन अकाउंट से। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसको कैश में नहीं डाल सकते, किसे देना है? लोन अकाउंट को। अभी जो बैलेंस आपका निकला वो कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, टू बैलेंस कैरिड डाउन। नर्मदा का कैपिटल निकला 21,600, गोदावरी का कैपिटल निकला है 14,400, कावेरी का कैपिटल हमें मिला 12,000। इसके बाद वाली स्टेप हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट को क्लोज, और जो एक्सेस अमाउंट निकल रही है वो कैश को देनी है क्या? फिर लोन को देनी है। चलो क्लोज करके देखते हैं कितनी एक्सेस अमाउंट निकल रही है। अभी नर्मदा का अकाउंट, नर्मदा की क्रेडिट साइड ज्यादा है, राइट? हाँ, कितनी है? 32,128। इसमें से आपने क्या किया? डेबिट माइनस किया, तो जो बचेगा वो एक्सेस अमाउंट बच रही है ना, जो सरप्लस अमाउंट बच रही है, एक्सेस अमाउंट लोन अकाउंट को देनी है। कहाँ देनी है? तो यहां क्या लिखोगे आप? कैश न लिखते हुए क्या लिखोगे? लोन अकाउंट। क्या लिखोगे? लोन अकाउंट। ध्यान में लो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग कैश लिख रहे थे, बैंक लिख रहे थे, राइट? इस वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट, दैट्स व्हाई यहां क्या लिखेंगे? लोन अकाउंट। कितना डिफरेंस कम बढ़ रहा है? कितना मतलब एक्सेस, सॉरी, कितने ज्यादा अमाउंट आ रहा है? 10,528। वैसे ही आपको किसका करना है? सेम गोदावरी का अकाउंट क्लोज करना है। गोदावरी के अमाउंट बताओ? 30,752। इसमें से ये माइनस करने के बाद कितना बच रहा है? 16,352। चलो ये हो गया। अभी कावेरी का अकाउंट तो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, राइट? 12,000 को कोई एक्सेस नहीं, कोई कुछ नहीं, सरप्लस नहीं, कुछ नहीं, डेफिसिट नहीं। ओके, डन। अभी ये जो बैलेंसेस हमें मिले, ये बैलेंसेस लेकर आप कहाँ जाओगे? लाइबिलिटी साइड। वहां जाकर हम लोग लिखेंगे कैपिटल्स। इनके जो कैपिटल हम लोग ने फाइंड आउट किए, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। नर्मदा का कैपिटल हमें फाइंड आउट किया 21,600, गोदावरी का 14,400, कावेरी का है 12,000। सबका टोटल अगर करें तो आउटर में 48,000। उसके साथ साथ ये जो लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर? लाइबिलिटी साइड में। लोन को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में जाकर लिखो लोन अकाउंट। किसका किसका है? नर्मदा और गोदावरी, नर्मदा एंड गोदावरी। नर्मदा का कितना लोन का अमाउंट निकला? 10,528, और इसका मिला है 16,352। दोनों का टोटल करके आउटर में लिखना है। हाँ, टोटल कितना आ रहा है दोनों का? 880। ओके, डन। अभी इसके बाद बस बचा क्या है अपना? ये जो बैंक अकाउंट था उसे क्लोज करना बाकी है। ये क्लोज करेंगे, इसका बैलेंस वहां ट्रांसफर करोगे और फिर बैलेंस शीट को करना है टैली। इसे क्लोज कर दो। अभी इसके डेबिट क्रेडिट में कुछ भी नहीं आया, 20,000, यही वो बैलेंस क्या हो जाएगा? कैरिड डाउन बाय बैलेंस। ये अपनी बैलेंसिंग फिगर मिली 20,000। इस 20,000 को आप यहाँ जाकर लिखोगे बैंक, कैश एट बैंक या जो भी बैंक है, बैंक लिख दो। अमाउंट आई 20,000। अभी इसके बाद करना है आपको लायबिलिटी की टोटल और एसेट्स की टोटल, और ये हो जाएगा यहाँ पर टैली। चलो टोटल करो और कितने से टैली हो रहा है बताओ? 1,24,000 के अमाउंट आ रही है। 1,00,000, यस,
1,24,481,24,480. Yes, done. Understood?